18 साल का उम्र से एक सीमेन अपना जहाज का नौकरी शुरू करता है। गवर्नमेंट में जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन रखा है उस हिसाब से एक सीमेन सीडीसी अपनाता है, ट्रेनिंग 6 महीने का करता है। ट्रेनिंग के लिए कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है और जांच के लिए 1-2 साल घूमना पड़ता है। ये सब करने के बाद जांच में नौकरी मिलते ही वो सीमेन का सैलरी सिर्फ 7,000 रुपये बेसिक होता है। जांच में अपना देश के लिए जितना भी क्रूड ऑयल चाहिए, एलपीजी चाहिए, जो भी गुड्स इंडिया के लिए जरूरत पड़ते है, एसेंशियल कॉमोडिटीज है, उसको लाते हुए एक सीमेन का जिंदगी 60 साल में वो रिटायर्ड होने के बाद उसको 200 रुपया पेंशन दिया जाता है। वर्ल्ड में कोई भी, मैं बोलता हूँ अफ्रीका में भी जाएगा तो कोई भी एकदम नीचे इकोनॉमिक का जगह में भी जाएगा तो एक मजदूर को 200 रुपया पेंशन कहीं पर भी नहीं है। इस स्थिति को इस मर्चेंट नेवी वाले का, जो सीमेन का यूनियंस हजारों है इधर, आप हिसाब लेगा तो आपने कोई हिसाब ही नहीं मिलेगा, सब कोने कोने पे यूनियन चालू किया है। अगर कोई भी इस बात को उठाकर ये सीमेन का अच्छा दिन के लिए कोई भी कोशिश नहीं किया गया है, सिर्फ फॉरवर्ड सीमेंट्स यूनियन, जो हमारा नरेश बिरवाड़कर जो जनरल सेक्रेटरी है, उनका जो फीलिंग, क्योंकि उन्होंने भी एक सीमेन का जिंदगी जिया, उन्होंने भी जहाज में नौकरी किया, तो उनको जो फीलिंग, जो सीमेन के लिए कुछ करना चाहिए, उस फीलिंग से ये शुरुआत हो रहा है कि सीमेन लोग को इकट्ठा करके एक आंदोलन शुरू करें। ये 5-6 महीने के 1 साल के अंदर में हम लोगों ने, मजदूर लोगों ने इतना मेहनत किया है कि हर तरीके का कोशिशें किया, हर तरीके से हम लोग अलग अलग लेटर लिखा गवर्नमेंट को, अलग अलग स्थिति से हम लोग रैली निकाला, धरना किया, भूख हड़ताल बैठा, ये सब करने के बाद में भी गवर्नमेंट अपना मुद्दे से हटने के लिए, जो अच्छा कुछ सीमेन के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण हम लोगों को लास्ट रिसोर्ट जैसा ऑल इंडिया में हर स्टेट का अंदर हमारा लोग है जो अभी आंदोलन के लिए उतरा है, और जो 15 तारीख को सब जगह साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और मुंबई में, ये सब जगह लोग इकट्ठा होकर आंदोलन के लिए तैयार हुआ है। उस तैयारी के लिए हम लोग विनती करते हैं हर सीमेन को, ये अपना हक समझकर, ये अपनापन समझकर आगे आना है और इस स्थिति को हमारा साथ देना है।